की राय लेकर के हम जो है इस काम को करेंगे। अभी आज समय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को मिला, हम जा करके अपनी राय जो है हमने स्पष्ट रूप से हमने बताया, याद दिलाया सारी बातें जो पूर्व में जो हुई थी, हम लोगों का क्या कमिटमेंट था और क्या महत्व रह जाएगा जब बिहार विधानसभा का, और जब मुख्यमंत्री विधानसभा में जब चीज कोई कमिट करते हैं तो कौन विश्वास करेगा। तो मुख्यमंत्री जी के सामने सारी जाति जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से हमको बताया कि भाई क्या क्या तैयारी है, और कई लोगों से जो है, क्योंकि अदर स्टेट में भी तो ये हुआ है लेकिन एक पूरे ढंग तरीके से जो नहीं हो पाए, तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जब हम करेंगे तो स्पष्ट रूप से सब लोगों की राय कि भाई इसमें जैसे उपजाति का जो है, जाति उपजाति इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई कैसे करेंगे, तो हमारा जानना ज़रूरी है। तो हम जानकारी के लिए भी गए कि भाई आपके मन में क्या है, आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, और करिएगा तो कैसे करिएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने तो हमको आश्वस्त किया है कि एकदम जो है सब लोग को बस बुला करके राय लेकर के इस बात को करेंगे, बाकी काम जो है मोटा मोटी वो काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन टाइम फ्रेम हमको इन्होंने यही कहा कि अतिशीघ्र जो है इस काम को करेंगे, बाकी काम जो है मोटा मोटी वो काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन टाइम फ्रेम हमको इन्होंने यही कहा कि अतिशीघ्र जो है इस काम को वो करेंगे, बुलाएंगे सब लोगों का राय जो है। अब जब ये बात बोले, वैसे राय की तो जरूरत मेरे अनुसार होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री कैबिनेट से करके बल्कि मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में ये पास होना है तो उसमें भी उनके जितने अलायंस पार्टनर हैं वो भी हैं, केवल मुख्यमंत्री जी की पार्टी नहीं है, तो बेहतर हो कैबिनेट मीटिंग में कि उससे पहले एक राय जो है वो बन जाए। तो अब जब बोल रहे हैं तो उसमें चलो ठीक है, दो चार दिन की बात है, ठीक है चलिए कोई नहीं, बीजेपी को भी तो साथ रखना पड़ेगा देश में जी, बात तो बीजेपी को भी तो साथ रखना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा है तो कुछ देख देख तो हम बोले कि भाई आप करवाइए, लेकिन आप ये बताइए कि आप ये करिएगा कि नहीं करिएगा। तो हमको जो है आश्वस्त किया है कि इस काम को जो है वो पूरा करेंगे या करवाएंगे, और ढंग से उन्होंने बोला कि ढंग से इस चीज को करवाई जाए, और सेंटर ने भी ये कह दिया कि कोई स्टेट कराना चाहे तो करा सकता है। तो हमको नहीं लगता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि हमारी लड़ाई तो ये भारतवर्ष की थी कि जाति जनगणना हो तो पूरे भारत में हो, और उस समय लालू जी वगैरह यूपीए में करवाए 2011-12 में जो सोशियो इकोनॉमी कास्ट सेंसस जिसका नाम दिया गया था में हो, और उस समय लालू जी वगैरह यूपीए में करवाए 2011-12 में जो सोशियो इकोनॉमी कास्ट सेंसस जिसका नाम दिया गया था, डेटा फर्ज हो गया, खराब हो गया, लेकिन इस वजह से पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि वो कराएंगे और जल्दी ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सब लोगों की राय दी जाएगी, ये बात तो उन्होंने फिर हमको कहा है, लेकिन हमारे पास जब मिलने का समय हमको दिया है, अब जब आश्वस्त किए हैं तो यही बात है कि भाई अगर इंतजार करना होता, टालना होता तो मिलने का समय क्यों देते। दिल्ली उन्होंने कमिट किया, अब कमिट किया है तो अब देख लेते कि कितना दिल लगता है। और जैसा एक बात तो है कि महागठबंधन से अलग होने के बाद आप पहली बार उनसे अकेले में वन टू वन मुलाकात कर रहे हैं, 5 सालों तक आपकी अकेले मुलाकात नहीं हुई, क्या इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्या आप लोगों का साथ हो सकता है? अब आप लोगों का कौन रंग का चश्मा पहनते हैं, हम थोड़ी ना बोलेंगे भाई कि बदल लीजिए चश्मा, तो उसी हिसाब की अलग अलग रंग के राजनीतिक चश्मा। और अच्छा, इसी बहाने आप लोग का जो टीआरपी है वो बढ़ता रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का काम काज चलता रहे। लेकिन मुलाकात हुई है तो कोई व्यक्ति से नहीं ना हुई है भाई, लीडर ऑपोजिशन की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और इशू बेस्ड बात हुई है, और वही इशू जिस इशू पे बीजेपी भी तैयार थी बिहार विधानसभा तो क्लियर है। हालांकि हमने तो कई बार बोले, हम अभी भी कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है राय की, कैबिनेट बुलाइए और कर दीजिए तो अगर सब लोग हैं। देख, सब
के काम करने का तरीका अलग होता है। अच्छा ये बताइए दबाव में दिखे क्या आप? सबका काम बुला करने का दबाव में है। देखिए अब दबाव में कौन है नहीं है इस पे टिप्पणी। मेरा अल्टीमेटम एक काम है कि जिस काम को, जिस संघर्ष को, जिस मुद्दे को हमने उठाया है उसको जो है अंतिम जो रूपरेखा जो दी जानी चाहिए। काम जो है कासिम से का उंगली जामा पहनाने का हमको काम है। अब कासिम से अगर आए में अगर सरकार स्पष्ट मना कर देती है कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन हमको तो ये बोला गया कि कराएंगे, पैदल यात्रा का कोई मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें संघर्ष में सड़क पे आने से और कोई उपाय नहीं बचेगा। भाई तार हटाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर तेजस्वी यादव इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।